Myself Salma Khan from Kinnarma Trust, and I am a panelist in Lok Adalat, and our organization is working for transgender fundamental rights, for their human rights, for their equality. और उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए हमारी संस्था ये काम करती है पिछले 10 सालों से, और हमने 2016 में स्वच्छ भारत अभियान का कार्यक्रम भी किया था पालघर डिस्ट्रिक्ट में, और ऐसे काम हमारे किन्नरमा ट्रस्ट करती है जिसमें कि 5,000 ट्रांसजेंडर रजिस्टर हैं ऑल ओवर मुंबई से, और हमारी संस्था किन्नरों के मूलभूत अधिकारों को लेकर काम करती है, उनके एजुकेशन को लेकर काम करती है, उनको मेडिकल सपोर्ट के लिए काम करती है, ऐसे सब काम हमारी किन्नरमा ट्रस्ट करती है। मन की बात की 100th एपिसोड का आप प्रीमियर देखेंगे, कितने एक्साइटेड हैं, कैसा फील हो रहा है, और आपको क्या लगता है जो पीएम मोदी हमेशा मन की बात रेडियो के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं वो कितना ज़रूरी है समाज के लिए? वो जब भी मन की बात करते हैं तो मन को छू जाती है बातें, और रेडियो के माध्यम से करते हैं आप, वो दूरदर्शन के माध्यम से करेंगे, और आने वाले आज 100 एपिसोड देख रहे हैं, 1000 एपिसोड पे भी हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे। मोदी जी जैसे छोटी छोटी जगहों से, एकदम रिमोट एरिया से कुछ ना कुछ स्टोरीज हमेशा मन की बात में शेयर करते हैं, सोशल इम्पैक्ट कितना पड़ता है उससे? उससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है लोगों पर, और मोदी जी को मैं चाहूँगी कि और अच्छे अच्छे काम करें, हमारा भारत महान होगा, क्योंकि जब हम महान होंगे आगे बढ़ेगा इंडिया, जब हम पढ़ेंगे, कौशलताएं हमारे अंदर होती है, मानवता हमारे अंदर होती है, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, और मैं चाहती हूँ कि हमारा देश बहुत आगे बढ़े, आज यूरोप से गल्फ से सबसे आगे हमारा देश बढ़े, और हमारे देश की उन्नति के लिए ये सब बातें ज़रूरी हैं। आपको क्या लगता है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मन की बात पे कवर होने चाहिए? बहुत सारी बातें हैं, देखिए अभी रैपिकर चिल्ड्रंस के बारे में बात करना चाहिए, ब्लाइंड लोगों के बारे में बात करना चाहिए, ट्रांसजेंडर्स के बारे में बात करना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर 2019 के बारे में बात करना चाहिए, अभी हमारे महाराष्ट्र में पुलिस भर्ती के लिए जो ट्रांसजेंडर्स के लिए कहा गया है तो अभी तक उनके लिए पूरी तरीके से फिज़िकल ट्रेनिंग उसमें एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ों का अभी हमें करना चाहिए, और धीरे धीरे हो भी रहा है सब कुछ, एक साथ तो कुछ भी नहीं होगा, धीरे धीरे ही बदलाव आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर।